वेलकम माय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सुधैगुरु चैनल में आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र, एक ख़ास किस्म का एक बीज मंत्र के बारे में आज आपके सामने मैं ये बात रखूँगा। ये अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत शक्तिशाली है। और क्योंकि आज के समय में, इस कलयुग में, आज बहुत ज़्यादा जो है समस्या जो है हमारे रिलेशनशिप्स में है। देखिए, हमारे लड़कियों को, हमारे लड़कों को शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। उनको अच्छा वर नहीं मिलता, और वर मिलता है तो डाइवोर्स हो जाता है, और इस किस्म की अन्य प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। और इवन जो हमारे जो मैरिजेस हो गई हैं उसमें जो आपस में तालमेल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और हर किस्म की जो भी जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और इस किस्म की जो कठिनाई हैं, हमें अच्छा वर नहीं मिल रहा, अपनी वधू नहीं मिल रही। आज हम माँ कामाख्या की चरण में जाएंगे। मैं लेटर आपको माँ कामाख्या देवी के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, उनका कौन सा मंत्र है, कैसे करना है, क्या विधि है। क्योंकि ये जो मंत्र जो है ये सर्वसाधारण मंत्र नहीं है, इसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी और इसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी, जिसके के बाद ही आपको उसका फल प्रॉपर वे में मिल पाएगा, और अन्यथा इसमें नुकसान भी हो सकता है। और सेकेंडली, अब हम आएंगे कि जिनको कोई कैरियर में दिक्कत आ रही है, हमारे जो बच्चे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम दिया, दूसरा एग्ज़ाम दिया, फिर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर जो है उनको काफ़ी उनको तकलीफ़ होती है, तो उनको भी जो है कामयाबी मिले, उसके लिए भी माँ कामाख्या की हम शरण में जाएंगे, उनके मंत्र करेंगे। साथ में जो लोग, जिनको अपने बिजनेस में जो है तकलीफ़ आ रही है, बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार जो है कुछ ना कुछ जो है अड़चनें आ रही हैं, तो कैसे हम इससे उभर सकें, तो हम माँ कामाख्या का मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही जो लोग बहुत समय से मान लीजिए बीमार चल रहे हैं, वो सही कई किस्म की दवा, कई किस्म की जो है मेडिसिन डॉक्टर्स के यहाँ होके आए हैं, मगर फिर भी जो है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अब अल्टीमेटली उनकी मन स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है, वो हार के उनके पास डिप्रेशन के अलावा कोई इलाज नहीं होता। ऐसे में भी हम जो है माँ कामाख्या की शरण में जाएंगे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं। और मनी के लिए भी, जो मनी वेदर वो कैरियर से रिलेटेड है, या वो जो बिजनेस में है, या किसी भी हर किस्म की जो हमारी वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैसे को लेकर तंगी, पैसे के लेके हमारी जो डेट्स हो रही हैं, हमारी सारी किस्म की जो भी जो है, हमें हमारी जो एफर्ट्स धन के प्रति हम कोशिश कर रहे हैं मगर हमें मिल नहीं पा रहा, उसमें भी हम माँ कामाख्या की शरण में जाएंगे। अब हम ब्रीफली, माँ कामाख्या है कौन? माँ कामाख्या एक बहुत अत्यंत प्रभावशाली देवी हैं। उनके मेन स्थान ये गुवाहाटी के पास आसाम में है। 52 शक्ति पीठों में नंबर एक पे इन्हें माना जाता है। इस शक्तिपीठ से बड़ा मेरे ख्याल से कोई शक्तिपीठ है नहीं। ये तंत्र और मंत्र और अघोरी जितने भी जो हैं, सारी साधनाएं वहीं से शुरू होती हैं, और इससे ऊपर कोई ना तंत्र ना मंत्र ना साधना है। तो इसलिए इस माँ कामाख्या की पूजन मंत्र हमारे लिए जो अत्यंत ही प्रभावशाली और बहुत ही स्पेशल है। और साथ ही हमें भी चीज़ ध्यान रहे कि माता कामाख्या की वहाँ पर जो पूजन होती है वो एक योनि के स्वरूप में पूजन होती है, क्योंकि माँ माँ ही होती है। माँ का जो है वो क्रिएशन, वो मदर जो है, माता है, वो क्रिएशन है, उन्हीं से सारी सृष्टि का पूरा जो है आगे उसकी बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए माँ कामाख्या जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो काली माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, सभी से भी उन्हीं से, उनमें सभी सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए माँ कामाख्या के शरण में ही जाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और अत्यंत शुभ का माना जाएगा। अब हम आते हैं कि माँ कामाख्या की पूजन जो है वो कैसे की जाए, क्या इसकी विधि है। देखिए, माँ कामाख्या की पूजन में कुछ सावधानियाँ बहुत बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो माँ कामाख्या की एक तस्वीर आप इंटरनेट से, फ़ोटो से डाउनलोड कर लें। आपको गूगल से डाउनलोड करके उस फ़ोटो को आप एक अपने मंदिर में, ये साधना बैठ के ज़मीन पे की जाएगी, ये चेयर पे और अन्यथा किसी जगह पे नहीं की जाएगी। एक लाल रंग का साफ नया कपड़ा रखें, उसके ऊपर माता की जो फ़ोटो आपने डाउनलोड की है उस फोटो को वहाँ रखें।
उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उनके सामने मिष्ठान लाल फूल रखें और जो भी आप पूजन करेंगे ये ध्यान रहे वो लाल रंग का वस्त्र डालेंगे, लाल रंग का आसन होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने योग्य वाली बातें हैं। साथ ही इसको ये बात ध्यान रहे ये पूजन मंगलवार से शुरू होगी या शुक्रवार को होगी। मंगलवार को आप जो है शाम के सूर्यास्त के बाद पूजन करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। पूजन का समय निश्चित रखें, अगर आप 7 बजे करते हैं तो 7 बजे करें, 6:30 है तो 6:30 है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मंत्र जो है आपको जो बताया जा रहा है ये बहुत ही गुप्त मंत्र और बहुत ही स्पेशल मंत्र है, देखने में बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा आपको बहुत आसान सा लग रहा है, मगर इनमें इसमें शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान रहे ये साधना 9 दिन की रहेगी, 9 दिन की साधना आपको शुरू करनी है, या आप नवरात्रि में कर सकते हैं, इसमें पूर्ण विधि से आप करेंगे, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन रखेंगे, उसमें नॉन वेज ड्रिंक्स इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, सादा भोजन लेंगे और झूठ फरेब चीटिंग करना इस किस्म की इन नहीं करेंगे आप। और इन 9 दिनों में जो है आपको आपको ये जो मंत्र अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र बहुत जबरदस्त शानदार मंत्र है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, आप इसको 108 बार आपने जो है मंगलवार या शुक्रवार से शुरू करके 9 दिन तक करना है, इसकी 11 माला आपने डेली करनी है, ये 9 दिन की साधना है, ये 9 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। आखिरी दिन आप जो है आप किसी गरीब को या किसी पर्सन को भोजन का उनको खिला सकते हैं या फल दे सकते हैं। ये 9 दिन की साधना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में आप एक और काम कर सकते हैं कि जब आप ये पूजन करें तो आप पूजन फोटो माता की फ़ोटो के सामने सिंदूर भी रख सकते हैं, 100 ग्राम लाल सिंदूर कामाख्या सिंदूर रख सकते हैं और फिर यह मंत्र जाप करेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। इस सिंदूर को फिर आप एक लाल कपड़े में भी लाल कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं या एक फिर बाद में आप इसको जब आपको ज़रूरत हो आप अपने लॉकर में या कहीं पे भी रख सकते हैं, और जहाँ आप इंपॉर्टेंट काम में जा रहे हैं तो इसका तिलक लगा सकते हैं और आप इधर भी इधर कहीं ना कहीं लगा सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले। साथ ही इन 9 दिनों के बाद ये जो मंत्र हो जाएगा ये मंत्र का जाप ज़्यादा नहीं किया जाता है, ये ध्यान रहे। ये 9 दिनों के बाद सिर्फ आपने इसको इसका जाप सिर्फ 27 बार या 21 बार तभी करना है जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये पूरी विधिन है विधि है, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ कामाख्या आपको सारी मनोकामना पूर्ण करेगी, क्योंकि इसमें जो है हर आपकी समस्या का अंत होने का 100% गारंटी है माता कामाख्या की, सिर्फ ये सावधानियाँ आप बरतें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये विधि आप अपनाएं और मेरे को बताएं कि इस विधि से आपको क्या लाभ मिला। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अन्यथा और भी आपको कोई आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, आप परामर्श ले सकते हैं अपने ज्योतिष कोई समस्या के लिए, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप कैरियर डाइवोर्स लीगल मैटर्स कोई बच्चों की कोई अन्य कोई समस्या हो उसके लिए व्हाट्सएप पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ माता आप पर कृपा करें और दया करें। नमस्कार माय फ्रेंड्स, जय माता दी।